क्लिब्रियम कंडीशन अंडर मोनोपनी एंड परफेक्ट कंपिटिशन जब हम इक्िब्रियम कंडीशन की बात करते हैं बेसिकली दिस इक्म कंडीशन रेफर्स टू प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की जब हम बात करेंगे अंडर मोनोपनी एंड परफेक्ट कम्पिटिशन तो वहां पर हम यहां पर जो भी डिस्कशन करेंगे दैट इज विद रेफरेंस ऑफ विद रेफरेंस टू द ऑफ इनपुट कि जब हम मोनोप्सोनिस्ट की बात करते हैं तो हमने वहां पर कहा कि मोनोपोनिस्ट इज यूजिंग अ वेरिएबल इनपुट

मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन मार्जिनल इनपुट कॉस्ट जिस भी आप क्वांटिटी ऑफ इनपुट की बात कर रहे हो उस क्वांटिटी ऑफ इनपुट पे सिचुएशन क्या है मार्जिनल मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन इनपुट कॉस्ट तो उस मोनोपोमिस्ट को क्या करना चाहिए ही शुड इंक्रीज इंक्रीज द ऑफ इनपुट टू हिज प्रॉफिट और अगर वहां पे सिचुएशन कुछ ऐसे ही हो जाए कि अगेंस्ट द गिवन क्वांटिटी ऑफ इनपुट मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट इज लेस देन मार्जिनल इनपुट कॉस्ट टू डिक्रीज द इनपुट जोसेज हाँ जी ये जो मैं मार्जिन रेवेन्यू प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं तो यह मार्जिन रेवेन्यू प्रोडक्ट है क्या दिस मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट बेसिकली रेफर्स टू चेंज इन रेवेन्यू बिकॉज ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ वेरिएबल इनपुट और इस मार्जिन रेवेन्यू प्रोडक्ट को हम ऑबटेन कर सकते हैं बाई मल्टीप्लाइंग मार्जिनल रेवेन्यू विद मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट और जब आप कहते हो मार्जिनल रेवेन्यू तो ये मार्जिनल रेवेन्यू बेसिकली रेफर करता है चेंज इन रेवेन्यू ड्यू टू चेंज इन आउटपुट और मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट आपके पास होता है चेंज इन आउटपुट ड्यू टू चेंज इन वेरिएबल इनपुट अब इस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए हम इस डायग्राम पे हॉरिजेंटल एक्सिस में क्वांटिटी ले रहे हैं और वर्टिकल एक्सिस पे प्राइस ले रहे हैं और यहां पे ये जो डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है दिस डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व रिपोर्ट मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट अगेंस्ट डिफरेंट क्वांटिटीज़ ऑफ इनपुट और फिर इसी पैटर्न पे एक पॉजिटिवली स्लोप्ड कर्व है जिसको हमने लेबल किया है सप्लाई ऑफ इनपुट के साथ और फिर एक मेरे पास और पॉजिटिवली स्लोप कर्व है जिसको हमने डिनोट किया है विथ मार्जिनल इनपुट कॉस्ट और यह मार्जिनल इनपुट कॉस्ट और मार्जिन रेवेन्यू प्रोडक्ट एक रोल प्ले करेगा फॉर द डिसीजन मेकिंग ऑफ द हाउ मच क्वांटिटी ऑफ इनपुट शुड बी यूज प्रोड्यूस आउटपुट अब इस चीज को कि हमने इक्विलिब्रियम कंडीशन की क्या बात की थी हा एक और बात कि जब आप परफेक्ट कंपटीशन की बात करोगे जो आपके पास मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट है दैट मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट आल्सो रिपोर्ट्स मार्जिनल वैल्यू प्रोडक्ट लेकिन ये किस केस में होगा इफ जो आपके पास जिस मार्केट में मोनोप्सोनिस्ट अपना आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है इफ दैट आउटपुट इज सोल्ड इन परफेक्टली कंपेटेटिव मार्केट अब हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि एज अ मोनोप्सोनिस्ट जो भी आपके पास प्रोड्यूसर है वो कितनी क्वांटिटी ऑफ इनपुट यूज करेगा टू प्रोड्यूस आउटपुट और इक्लिब्रियम कंडीशन क्या आती पॉइंट वेयर मार्जिनल इनपुट कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट इट विल रिपोर्ट इट विल आउट दी ऑप्टीमल क्वानिटी ऑफ इनपुट यहाँ पे इस दैट पॉइंट ए इज दार्यू प्रोडक्ट इंटरसेट ऑफ इंटरसेक्शन पे क्वान्टिटी ऑफ इनपुट इज रिक्वायर्ड अब इस क्यू एम क्वानिटी ऑफ इनपुट के लिए जो मोनोपोनिस्ट है वो क्या प्राइस पे करेगा फॉर दमिनेशन ऑफ प्राइस वी है टूवर्ड्स दि सप्लाई ऑफ इनपुट कर इंटरसेक्ट कर रहा है एट पॉइंट सी और यहाँ पे जो प्राइस वो पे करेगा मोनोपोनिस्ट फॉर दिस पर्टिकुलर इनपुट इट इज इक्वल टू पी एम और ये मेरे पास क्या है एस अ मोनोप्सोनिस्ट बायर विल बाय क्यू एम क्वॉंटिटी ऑफ इनपुट एंड पे अ प्राइस पीएम टू यूज दिस पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ इनपुट लेकिन अगर हम यहां पे अब एज्यूम करें कि जो आपका बायर बायर है नॉट इज़ वर्किंग अंडर परफेक्टली मार्केट वहां पर आपके पास पॉइंट अक्कर होगा वेयर सप्लाई ऑफ इनपुट इंटरसेक्ट मार्जिनल रेवन्यू प्रोडक्ट और ये यह यहाँ पे इस केस में अक्कर हो रहा है एट पॉइंट बी एट पॉइंट बी हाउ मच क्वान्टिटी विल बी यूज बाई दू इज इन दर्फेक्टली कंपेटेटिव मार्केट ऑफ द इमपोर्ट ही क्वॉंटिटी ऑफ इमपोर्ट और इस क्यू पी सी क्वांटिटी के लिए क्या प्राइस पे करेगा ही विल पे अ प्राइस इज इक्वल टू पी पी सी क्या अगर बायर आपका ऑप्शनिस्ट होगा देन ही विल पे अ प्राइस इज इक्वल टू पी एम एंड यूज द क्वांटिटी

विद रेफरेंस टू इनपुट यूजेज जब इनपुट यूजेज इज ग्रेट और एक और चीज जो हमने यहां परिफरेंस है बिटवीन द इनपुट प्राइस पेड अंडर परफेक्ट कंपिटिशन एंड इसको हम कहते हैं दैट इज कार्ल monopsonistic exploitation of the input, difference between the price price paid under the condition of monopsony and the price paid under the condition of perfect competition, it is called as monopsonistic exploitation of input.